Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास वन प्लस का नोट 3 है और आप इस फोन के अंदर अपने फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं, हाइड कर रखें, उनको अनहाइड कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ एक्सेस कैसे करेंगे हाइड फोटो और वीडियो को उसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपके फोन की जो गैलरी है उसको आप ओपन कीजिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि फोटो नाम से गैलरी आपको मिल जाती है, फोन की ही गैलरी है। इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फोटो, एल्बम एंड एक्सप्लोर, तीनों में से किसी पे आप टैप एंड होल्ड कीजिए। टैप एंड होल्ड करते ही अगर फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे लॉक आ रहा है डालने के लिए, तो आपका जो प्राइवेसी लॉक है वो आप सेट कर लीजिए। नहीं किया सेट आपने तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैसे प्राइवेसी सेट आप कर सकते हो। तो ऐप लॉक वाला लॉक होगा यहाँ पे, अगर आप ऐप लॉक किए होंगे इस फोन के अंदर तो आपको वही डालना है। नहीं डाला तो सिंपल आपको सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ 6 अंक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पैटर्न लॉक चेंज चाहे तो पैटर्न लॉक भी डाल सकते हैं, 4 अंक का भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके लिए आप यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे पहले क्लिक कीजिए, अब मर्जी चाहे उस लॉक को सेलेक्ट कीजिए जो भी आप यहाँ पे प्राइवेसी के लिए सेट करना चाहते हो। यहाँ सेट करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना नाम सेट कर दीजिए या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना है एंड गॉट इट पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर जाकर किसी भी फोटो या वीडियो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो हाइड करने के लिए। इस तरह से क्लिक करके इस तरह से क्लिक करना है, ये हाइड हो जाएगी। एक और तरीका रहता है हाइड करने का, आप जैसे कि एल्बम में जाइए, उस फोल्डर में चले जाइए जिसमें से फोटो या वीडियो हाइड करना है। तो मान लीजिए मुझे इसमें से जाके ये वाला फोटो हाइड करना है, तो इस तरह से रैप एंड होल्ड कीजिए, हाइड का एक ऑप्शन देखेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये आपका हाइड हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से किसी फोटो या वीडियो को हाइड कर सकते हैं, सिंपल यही करना होगा। अब इनको एक्सेस करने के लिए तीनों में से किसी पे एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए, टैप एंड होल्ड करते ही आपके सामने प्राइवेसी लॉक आएगा, प्राइवेसी लॉक डालते ही आपके सामने अपने फोटो और वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चाहे तो इनको आप अनहाइड भी कर सकते हो, जिसके लिए आप इसमें टैप एंड होल्ड कीजिए, इस तरह सेलेक्ट कीजिए जो भी अनहाइड करने हैं और सेट एज पब्लिक पर क्लिक करके उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप इसको वापस रखना चाहते हो, तो इस तरह से क्लिक कर देना है तो ये आपके अनहाइड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर अपने फोटो और वीडियो को आसानी से आप हाइड कर सकते हो। आशा करते फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।